अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां मऊगंज थाना क्षेत्र के दुधमनिया जंगल में एक नर कंकाल मिला था, जिसकी हत्या कर सब ठिकाने लगाने की आशंका थी। पुलिस ने कंकाल के पास से आधार कार्ड और कुछ दस्तावेज बरामद किया था, जिसके आधार पर उसकी पहचान विकास गिरी के रूप में हुई थी। पुलिस के सामने हत्या के आरोपियों की तलाश सबसे बड़ी चुनौती थी। पुलिस ने साक्ष्य जुटाने के बाद यूनुस बख्श अंसारी, पिता अब्दुल मजीद, उम्र 30 वर्ष, निवासी दुधमनिया थाना मऊगंज, एवं सिरताज मोहम्मद, निवासी सीतापुर थाना लौर को आरोपी बनाया है। आरोपियों में से यूनुस गिरफ्तार किया गया है, जिससे पूछताछ की गई तो आरोपी ने हत्या करने की बात स्वीकार कर ली है। आरोपी ने पुलिस को पूछने से बताया कि युवक आरोपियों की बहन से छेड़खानी कर रहा था, जिसकी जानकारी मिलने पर आक्रोश में आकर लाठी डंडे से पिटाई कर दी थी। मौत होने पर हाथ पांव रस्सी से बांध कर दुधमनिया जंगल में फेंक कर लापता हो गए थे। उक्त आरोपियों में से पुलिस ने यूनुस बख्श अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा आरोपी सिरताज मोहम्मद, निवासी सीतापुर, अभी भी फरार है। पूरे मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने उक्त जानकारी दी है। 5 अक्टूबर 2021 को एक गुम इंसान दर्ज किया गया था थाना मऊगंज में। विकास गिरी नामक युवक गुम इंसान उसका दर्ज किया गया। उसके परिजनों ने आके बताया कि ये 2 तारीख शाम से नहीं मिल रहा है, और हमने अपने 2 दिन प्रयास करने के पश्चात आज थाने आए हैं। उसके पश्चात खोजबीन शुरू की गई, परंतु उसका कोई जानकारी नहीं मिली। फरवरी माह में एक हमको जंगल में कंकाल मिला, तो हमने उसके पश्चात उसका पूरा चेक कराया, तो वो विकासगिरी का बॉडी थी। और उसमें फिर आगे बढ़ना हम लोग शुरू हुए, तो विभिन्न एंगल्स पे हम लोगों ने काम शुरू किया, और हमने प्रयास किया कि कोई भी हमारा फैक्ट जो हम कलेक्ट कर रहे हैं, इसके बाद किसी व्यक्ति तक हम पहुंचे तो डिस्टर्ब नहीं हो, इसलिए थोड़ा इसमें समय लगा। परंतु फाइनली हमारी टीम ने जो असली आरोपी है इसका, यूनुस, उसको खोज निकाला, और उसका एक साथी और है। इन लोगों ने पूरी घटनाक्रम ये बताया कि 2 तारीख को विकास गिरी हमारे यहाँ आया था, और उसका उद्देश्य उन्होंने घटना का बताया कि हमारी बहन से इसका छेड़खानी करने का उद्देश्य था, तो इसको हमको पसंद नहीं आया, इसके चलते हम लोगों का इससे विवाद हुआ और विवाद बढ़ गया, और हमने इस घटना को अंजाम दिया। क्योंकि विकास गिरी भी फॉरेस्ट के क्षेत्र में काम करता था, और आरोपी यूनुस भी जंगल विभाग में विभिन्न प्रकार के काम करता है, तो वन क्षेत्र की जानकारी होने से उन्होंने काफी दूर उसको जाके एक जगह छुपा दिया था, इसलिए समय भी लगा बॉडी को मिलने में, ढूंढने में। और फाइनली इस टीम ने पूरा उम्र करते हुए ये केस ट्रेस किया, और उसका कारण उनकी द्वारा बताया गया, जो अभी तक की पूछताछ में अपनी बहन से छेड़खानी करना बताया गया। और अभी एक आरोपी हमारी गिरफ्त में है, दूसरे आरोपी के लिए हमारी टीम लगी हुई है, अतिशीघ्र हम उसको अरेस्ट कर लेंगे। पूरी टीम ने काफी अच्छा प्रयास किया है एसडीपी मऊगंज नवीन दुबे के नेतृत्व में, और इसलिए हम नवीन दुबे के लिए रिकमेंड करेंगे एडीए साहब से रिकमेंडेशन लेटर के लिए, और इस टीम को हम लोग कैश रिवार्ड भी देने का घोषणा कर रहे हैं। कहने हैं लाए दुल्हन के रूप में चार चांद लगाए, रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।